अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लड़कियों के यूपी में जो कुछ बड़े मदारिस हैं उनके ताल्लुक से। ये आप स्क्रीन पर जो तस्वीर मुलाहजा फरमा रहे हैं, कुल्लियतुल बनातुल अमजदिया, ये जामिया अमजदिया रज़विया घोसी ज़िला मऊ, जो हुज़ूर मुहद्दिस कबीर हफीज़ुल्लाह ताला उमरहू की ज़ेरे निगरानी चलता है, उसी की शाख है ये कुल्लियतुल बनातुल अमजदिया। ये लड़कियों का मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ से बच्चियाँ फारिग होती हैं। फारिग होने के बाद में दीनी खिदमात में लग जाती हैं और यहाँ से फारिग होने वाली तमाम बच्चियाँ पूरे मुल्क भर में बहुत सी जगह दीनी खिदमात अंजाम दे रही हैं और बहुत से इदारे इस कुल्लियतुल बनात की वजह से जो है यहाँ से फारिग होने वाली आलिमा फाजिला जो हैं बड़े बड़े मदारिस चला रही हैं। और अब हम बात करने वाले हैं यूपी के ही दूसरे मदरसा जामिया आयशा लिल बनात। ये खलीफा हुजूर तहसीन मिल्लत साबिक प्रिंसिपल जामिया रज़विया मज़हरुल उलूम गुरसहाय गंज में गांधी नगर में ये जामिया आयशा लिल बनात कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में यहाँ पर भी बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं और रोज़ाना आमद रफ्त के हिसाब से भी बच्चियाँ बहुत बड़ी तादाद में आती हैं। अब हम बात करते हैं जामिया फ़ातिमा शाहजहाँपुर। इसकी जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये हमारे पास एक साहब ने भेजी हैं, चूँकि मैंने उस इदारे को नहीं देखा है इसलिए जो तस्वीर उन्होंने भेजी स्क्रीन पर वहीं आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर भी बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं जैसा कि बताया गया, और बहुत अच्छा इदारा बना हुआ है और बड़ी अच्छी तालीम है शाहजहाँपुर के अंदर जामिया फ़ातिमा, और वहाँ कॉलेज भी लड़कियों का जो है और इसके साथ साथ में जो लड़कों का भी एक इदारा है जामिया फ़ातिमा। अब हम बात करने वाले हैं हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमतुर रहमान, हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती आफाक अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह के कायम करदा और यादगार जामियतुल मुहसिनात सफ़िया कन्नौज, यह अल जामियतुल अहमदिया सुन्निया की शाख है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तकरीबन 800 या 900 से ज़्यादा की तादाद में बच्चियाँ यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं और फारिग होने के बाद में मुल्क भर में बच्चियाँ जो है दीनी खिदमात अंजाम तकमील तक पहुँचाती हैं। ये हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमतुर रहमान की मेहनत व मशक्क़त का थमरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी इसमें काम भी जारी है। आप हज़रात अगर तआवुन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रابطہ कर सकते हैं, और अगर दाखिला कराना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर रابطہ आप कर सकते हैं। यह आप देख रहे हैं मदरसा फैज़ान गौसलवरा तालीमी नस्वा। ये हमारे अजीज़ दोस्त हाफिज सहीमुद्दीन साहब शहर फरुखाबाद स्टेशन के बगल स्टेशन पर ही पास में मदरसा है स्टेशन के, ये वहाँ पर मदरसा फैज़ान गौसलवरा तालीमी नस्वा कायम है। और अगर आप हजरात चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पर ज़ेर तालीम हो, यहाँ पर जाकर पढ़ें, या जिन मदारिस में आप चाहते हैं तो वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट में कमेंट में आप उस मदरसे का नंबर भी ले सकते हैं, और ये हाफिज़ सहीमुद्दीन साहब का नंबर है, आप हजरात जो है इनसे भी राबता कायम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जामियतुल बनात बरकात फ़ातिमा। ये जामिया मनाजिर अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी की निगरानी में चलता है। यह जामियतुल क़ादरिया की एक शाख है जामियतुल बनात बरकात फ़ातिमा। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं जो फारिग होने के बाद में पूरे मुल्क भर में तमाम तर बच्चियों के अकायद को किस तरीके से महफूज रखा जाए उस चीज़ पर भी ज़ोर देती हैं। और सिर्फ ये इसी जामिया की खसूसियत नहीं बल्कि बहुत से मदारिस से इस्लामिया ऐसे हैं जो लड़कियों के मदारिस हैं उनमें भी इस चीज़ पर ज़ोर दिया जाता है। और अब हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी जामिया, इस आखिरी मदरसे जामिया गुलशन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबीगंज बाराबंकी। ये जामिया हज़रत अल्लामा मौलाना मेराज अहमद मिसबाही साहब जो कि इस जामिया के नाज़िम भी हैं और बहुत अच्छी तालीम के साथ ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चल रहा है, और यहाँ से जो है बच्चियाँ फारिग होती हैं और जो है फारिग होने के बाद में किसी तरह से मुर्तद होने से कौम मुस्लिम को बच्चियों को बचाया जाए इस चीज़ पर भी ज़ोर दिया जाता है। ये सिर्फ आप हजरात जिन तमाम तर हमने मदारिस का जिक्र किया है, अगर आप हजरात इनमें से जिनके नंबर आप हजरात ने स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाए उनसे रابطہ कर सकते हैं, और जिसका नंबर आप हजरात को स्क्रीन पर ना मिल सका तो आप हजरात
कमेंट बॉक्स में आकर उन तमाम तर मदारिस के जिम्मेदारान का नंबर आप हजरात हमसे ले सकते हैं। और ये ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदारिस हैं, जामियात हैं, कि इनसे फारिग होने वाली तमाम हमारी बच्चियाँ के इन तमाम तर खुराफात जो आज चल रही है, और जिस तरीके से बड़ी तादाद में देखा जा रहा है कौम मुस्लिम की बच्चियाँ किस तरह से मुर्तद हो रही हैं, तो हमें चाहिए कि अपनी बच्चियों को भी यहाँ पर तालीम दिलवाएं, ताकि वो सही माना में शरीयत मुस्तफ़ा को समझ सकें और वो सही माना में कनीज़े फातिमा बनकर खुद भी अपने ईमान और अकीदों की हिफाजत करें, और साथ साथ में दूसरी बहनों के भी ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, मौला करीम तमाम तर बच्चियों को और हम सबको इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाएं। आप हजरात इस वीडियो को सवाब की नियत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।